हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोग साइन इंटीजर रिप्रेजेंटेशन के बारे में तीन तरह के रिप्रेजेंटेशन जो है साइन इंटीजर के लिए हम लोग पढ़ चुके हैं। अभी हम लोगों ने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा है कि जो साइन इंटीजर है आपका, वो तीन तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। एक तो आपका साइन मैग्नीट्यूड था, साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन, ये आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। दूसरा था 1s कॉम्प्लीमेंट और तीसरा था 2s कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। अब इसमें ये जो 2s कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन होता है, ये कंप्यूटर में यूज़ किया जाता है या कंप्यूटर इसका यूज़ करता है, ठीक है, फॉर साइन इंटीजर। क्यों? क्योंकि उसके दो रीज़न है। पहला तो रीज़न ये है कि ज़ीरो को रिप्रेजेंट करने के लिए 2s कॉम्प्लीमेंट में, 2s कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन में जीरो को का केवल सिंगल एक तरीका है रिप्रेजेंट करने का, ठीक है। जबकि बाकी दोनों में दो दो तरीके हैं जीरो को रिप्रेजेंट करने के। तो एक तो ये कन्फ्यूजन दूर हो जाता है कि जीरो को, देयर इज ऑनली सिंगल रिप्रेजेंटेशन फॉर जीरो इन 2s कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन फॉर साइंड बाइनरी साइंड इंटीजर्स। और दूसरा जो रीज़न है वो ये है कि इसके अंदर चाहे आप पॉजिटिव इंटीजर लें, पॉजिटिव इंटीजर एंड निगेटिव इंटीजर, ठीक है, दोनों तरह के इंटीजर को एडिशन और सब्ट्रैक्शन में आप यूज़ कर सकते हैं कंप्यूटर में। अगर आप 2s कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन यूज़ कर रहा है कंप्यूटर, इसलिए कि एडिशन करना हो चाहे सब्ट्रैक्शन करना हो, ठीक है, उसमें उसको कोई दिक्कत नहीं आती है, चाहे पॉजिटिव इंटीजर का एडिशन करना हो और चाहे निगेटिव इंटीजर्स का करना हो। तो इन दो मेन रीजन की वजह से कंप्यूटर जो है 2s कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन का इस्तेमाल करता है, ठीक। अब इसमें कुछ एग्जांपल लेके आपको समझाते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। सपोज कीजिए कि दो पॉजिटिव इंटीजर आपको दिए हुए हैं, n इज इक्वल टू 8 दिया हुआ है, ठीक है, यानी बिट लेंथ हमको 8 रखनी है और हमें ऐड क्या करना, हमें ऐड करना है 65 दिया है डेसिमल में और 5d दिया है डेसिमल में, इसको ऐड करना है। तो हम क्या करेंगे, 65d को साइंड बाइनरी 2s रिप्रेजेंटेशन में 65d का क्या हो जाएगा, इसका सिंपली हो जाएगा पॉजिटिव का 0 हो गया, फिर 100, ठीक है, और फिर 0001, ये हो गया, ठीक है। और 5d का क्या हो जाएगा, 5d का हो जाएगा, चूंकि पॉजिटिव है तो उसका 0 हमने कर दिया और फिर 0000 और फिर 0101, ये हो गया बाइनरी इसका, ठीक, ये दोनों बाइनरी में आ गए। अब इनको हमें क्या करना है, इनको हमें ऐड करना है, तो जो इनको हम ऐड करेंगे से हमें प्लस करना है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 110, यहाँ 1 आ गया कैरी वाला, फिर 1+0 1, फिर 0 0 0, 1+0 1 और फिर 0, ये आ गया। और इसको जब आप इसकी वैल्यू आप देखेंगे डेसिमल में तो वो आ जाएगी, चूंकि यहाँ पे 0 है तो पॉजिटिव रहेगा ये, और बाकी इसको आप कैलकुलेट करें, आप कैलकुलेट कर लीजिए, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करिए, 1000110, पोजिशनल वैल्यू लिख दीजिए, से ये हो गया 1 2 4 8 16 32 और 64। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 64 प्लस ये वाला 4 प्लस 2 प्लस 1, ये कितना आ जाएगा आपका 64 और 4 68 और 64 और 4 68 और 2 70 और 1 71, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 0100 और 0110, ठीक। अब इसमें कैरी अगर आप इग्नोर कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 70d, तो ये आपका 70d आ जाएगा। और वैसे भी हमें मालूम है कि 65 और 5 को हम जोड़ेंगे तो 70 आएगा सीधा सीधा, तो ये इसका मतलब हमारा सही है, ठीक। अब ऐसे इसमें मान लीजिए हम सब्ट्रैक्शन को लेते हैं, ठीक है,
सपोज कीजिए हमने दूसरी एग्जाम्पल ली, इसमें दो नंबर दिया हुआ है आपका, कौन कौन सा बिट लेंथ हमको क्या यूज करनी है, एन इज इक्वल टू 8 ही दिया है, ठीक। अब हमें दिया है कि 65D में से हमको 5D माइनस करना है, ठीक। 65 डेसिमल में से हमको 5 डेसिमल माइनस करना और वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली हम इसको कन्वर्ट करेंगे, तो 65 डेसिमल में इसको बाइनरी में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, पहले तो पॉजिटिव है तो उसका साइन बिट हो गया 0, बाकी फिर आ जाएगा आपका 100 और 0001, ये आ गया बाइनरी में, ठीक। और इसको जब हमें कन्वर्ट करना है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 65D प्लस माइनस 5D, ऐसे हम लिख सकते हैं। और ये माइनस 5D क्या हो गया, एक तरह से 2s कॉम्प्लीमेंट हो गया 5D का, तो इसका 2s कॉम्प्लीमेंट जब आप यहाँ पे लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, 1111 और 1011B, ठीक। और इन दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, जब आप ऐड करेंगे तो 110 कैरी यहां 1 पहुंचा, फिर 110 फिर कैरी यहां 1 पहुंचा, फिर ये हो जाएगा 1, फिर ये आ जाएगा 1, और इसको 0 प्लस 1 1 1 1 1 0 1 और कैरी 1 यहां पे आएगा, तो फिर 110 और कैरी 1, ठीक। अब ये जो कैरी आएगा, दिस इज कैरी, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम इग्नोर कर देंगे क्योंकि हम लोग 2s कॉम्प्लीमेंट यूज कर रहे हैं, तो इसको जब आप इग्नोर कर देंगे तो इसको आप कन्वर्ट कर लीजिए कितना आ जाएगा, या ये इसको डेसिमल में आप कन्वर्ट करेंगे तो ये 60 आ जाएगा डेसिमल में, ठीक। यही आंसर हो गया और यही आंसर आना चाहिए था, ठीक। इसको कन्वर्ट करके देखिए, ये है आपका, मान लीजिए ये तो लिखिए चाहे ना लिखिए फर्क नहीं पड़ना, 1 1 1 1 0 फिर पोजिशनल वैल्यू लिखिए, तो ये हो गया आपका 1 2 4 8 16 32 और इधर 64 और 128, तो इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इसको जब आप डेसिमल कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा, ये इसका हो गया 32 प्लस ये हो गया 16 प्लस 8 प्लस 4, कितना हो गया 32 और 10 42, या ऐसे जोड़ लीजिए 32 16 8 4, 6 2 8 8 16 4 20 के 0 ऐसे लगा 2 3 1 4 2 6, ये आ गया आपका 60 डेसिमल में। तो कंप्यूटर चाहे एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करे चाहे सब्ट्रैक्शन, अगर 2s कॉम्प्लीमेंट वो यूज़ कर रहा है तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब मान लीजिए हम एक एग्जांपल और ले लेते हैं, सपोज कीजिए, क्योंकि जब जितने आप एग्जांपल करेंगे उतना ही आपको फंडा क्लियर होगा। मान लीजिए हम एडिशन ऑफ 2 निगेटिव इंटीजर, तो बिट लेंथ दी हुई है कि 8 बिट हमको यूज करना है, ठीक है। अब उसने क्या कहा है कि साहब माइनस 65D और माइनस 5D इनको जोड़िए, ठीक। अब इसको हम कैसे जोड़ेंगे, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इनको हम लिख सकते हैं माइनस का 65D, डी मतलब डेसिमल में, और प्लस हमें ऐड करना है माइनस का 5D, ऐसे समझ लीजिए। तो पहले आप क्या करेंगे, आप माइनस का 65D का इक्विवेलेंट लिखिए, तो साइन बिट यहाँ पे निगेटिव है ना, तो साइन बिट हो गया 1 और बाकी, ठीक है, माइनस का 65D का आ जाएगा 10 2s कॉम्प्लीमेंट इंटरप्रिटेशन 1011 और 1111B, ये हो गया। फिर ऐसे ही माइनस का 5D लिखिए, तो माइनस का 5D हो गया 1111। देखिए ये कैसे आ रहा है इनका 2s कॉम्प्लीमेंट, ये पिछली वीडियो आप देखिए जिसमें 2s कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन मैंने बताया है, उससे आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि पीछे की अगर वीडियो आप नहीं देखे रहेंगे तो फिर ये नहीं समझ में आएगा। 1011 आ गया। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, ऐड करना है, तो इनको हमें ऐड कर देना है, तो ऐड करेंगे, देखिए 110 कैरी 1, फिर 111 तो 1, फिर कैरी 1, फिर 110 कैरी 1, फिर 111, फिर इसका कैरी यहाँ 1 हो गया, फिर 111, फिर ये 1 आ गया कैरी 1, फिर 111, ये आ गया कैरी 1, फिर 110
कैरी वन, और फिर ये वन 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 वन, और यहां आ जाएगा ये कैरी। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे कि जैसे अभी हमने पहले किया था, कैरी को इग्नोर कर देंगे, इग्नोर कैरी। तो अब ये इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी देखिए इसका साइन बिट कितना है, वन है, मतलब ये निगेटिव आएगा, और इसको आप कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा माइनस का 70 डेसिमल। ये आपका आंसर आ गया, और यही आंसर आना भी चाहिए था, -65 और -5 को अगर हम जोड़ेंगे तो। क्लियर। अब इसमें एक चीज आपको ये ध्यान रखने वाली है, ये तो देखिए एक चीज आपको ये ध्यान रखने वाली है, ये जो एन बार बार हम आपको दे रहे हैं, एन इक्वल टू 8 बिट, इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका आंसर आ रहा है, जो रिजल्टेंट आ रहा है, वो आपका 8 बिट के अंदर आ जाना चाहिए। मतलब कि क्या है, ड्यूरिंग एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू चेक वेदर द रिजल्ट एक्सीड्स दिस रेंज, इन अदर वर्ड्स वेदर ओवरफ्लो और अंडरफ्लो हैज अकर्ड। मतलब जो भी आपका तीनों, जैसे तीनों आपने क्वेश्चन किया है, उसमें आपको रिजल्ट में ये देखना पड़ेगा कि भाई ओवरफ्लो या अंडरफ्लो तो नहीं हो रहा है। अब ये ओवरफ्लो और अंडरफ्लो क्या होता है, ये मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे कि हमें मालूम है कि अगर हम n इक्वल टू 8 बिट ले रहे हैं, ये सब प्रीवियस वीडियो में देखिए आप, सब क्लियर हो जाएगा। n इक्वल टू 8 बिट ले रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि 8 बिट की मदद से हम माइनस के 128 से और प्लस के 127 तक के इंटीजर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये क्लियर है ना, क्योंकि 2 की पावर 8 आप देख लीजिए कितना होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128। ठीक है, और पहला वो 1 बिट आपका साइन बिट में चला, भाई 8 बिट में 1 बिट साइन बिट में चला जाता है, बचते हैं केवल कितने 7, मतलब 8 माइनस 1, और 2 की पावर 7 आपका कितना आता है, 128। तो माइनस के 128 से और प्लस के 127 के बीच में अगर रिजल्ट आ रहा है तो ओवरफ्लो या अंडरफ्लो नहीं होगा। अगर इसके बियॉन्ड जा रहा है, चाहे निगेटिव में और चाहे पॉजिटिव में, तो फिर ओवरफ्लो या अंडरफ्लो होगा। इसकी भी हम एग्जाम्पल आपको दे के बता देते हैं। ठीक है, क्या है केस इसमें, मान लीजिए आपको एन इक्वल टू दिया हुआ है 8, ठीक है, और आपको ऐड क्या करना है, आपको उसने दिया 127 डेसिमल में दिया है, और प्लस आपको करना है 2D, इन दोनों को करना है। अब हमें मालूम है सीधा सीधा इनका आंसर क्या आएगा, ये 129, देखिए इससे बाहर जा रहा है ना, लेकिन आपको हम इसको 2s कॉम्प्लीमेंट से करके दिखाते हैं। देखिए 127D आपने लिखा, पॉजिटिव है तो ये हो गया 0, इसका साइन बिट, बाकी आप लिख लीजिए 111111, ये आया बाइनरी में। अब 2 को लिखिए आप 2D को, तो 2 भी पॉजिटिव है, 0 हो गया। ठीक, और 0000 और 010 ये हो गया बाइनरी में। अब जब आप इनको ऐड करेंगे तो देखिए 1 प्लस 0 1 110 कैरी 1, फिर 110 कैरी 1, फिर 110 कैरी 1, फिर 110 कैरी 1, फिर 110 कैरी 1, और फिर 110, और यहाँ पे फिर आपका ये तो साइन बिट है, इसमें तो जुड़ेगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे आप करेंगे तो ये 1 आ गया। अब यहाँ पे क्या होगा कि इसको जब जब इसको अब अगर आप 2s कॉम्प्लीमेंट से आप देखेंगे तो ये इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू आएगी माइनस का 127 डेसिमल में, क्योंकि ये तो चला गया माइनस दिखाने में, और इसका जब आप 2s कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो 127 आएगा। और जबकि आंसर देखिए कितना आना चाहिए था, ये इसका मतलब ये गलत है, आंसर इज रॉन्ग। ठीक है, तो इसी इसी को कहते हैं कि ओवरफ्लो हो रहा है, ये समझ रहे हैं आप, इसी को बोलते हैं कि दिस इज ओवरफ्लो। ठीक है, ये बियॉन्ड द रेंज आ रहा है, दिस इज बियॉन्ड द रेंज। क्लियर। अब आप आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, सपोज कीजिए आपको दिया है एन इक्वल टू 8, और हमको कैलकुलेट करना है माइनस का 125 डेसिमल में और माइनस का 5D। ठीक,
अब हमारा ये कितना आएगा, अगर हम सिंपल डेसिमल में करें तो माइनस का 130 डी आएगा। और आपको मालूम है कि ये देखिए इस रेंज से बाहर जा रहा है ना, इस रेंज के बीच में नहीं है ये नंबर। अब इसको आप करके देख लीजिए, ठीक है, ये केस में क्या था, ओवरफ्लो था। क्यों? क्योंकि ये बियॉन्ड द रेंज आ रहा है भाई। रेंज है हमारा 127 तक और रिजल्ट क्या आ रहा है, 129, यानी रेंज से बाहर जा रहा है। यहां पे क्या है, हमारा रेंज है माइनस के 128 तक, और उसके बाद माइनस का 129, माइनस का 130, ये रेंज में नहीं है। तो लेकिन इससे कम वैल्यू आ रही है, यानी कि ये यहाँ पे अंडरफ्लो हो रहा है। अंडरफ्लो मतलब कि बिलो द रेंज आ रही है, जो वैल्यू आ रही है वो हमारे रेंज से कम, बिलो द रेंज। तो ये बारीक चीज है, इसको खूब ध्यान से समझ लीजिए। ये जनरल टॉपिक नहीं है तो इसको समझना भी मुश्किल नहीं है, लेकिन मेन है कि चूंकि जनरल टॉपिक नहीं है इसलिए आदमी इसको समझना नहीं चाहता। ठीक, अब इसको देखिए हम ट्रूएस्ट कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन से करेंगे तो माइनस का 125 डी इसको हम लिख सकते हैं। माइनस का वन हो गया, 0 0 0 0 0 1 1 ये आ गया बाइनरी में। फिर माइनस का 5D लिखिए, ये आ जाएगा आपका 1 1 1 1 1 0 1 1। ये वाली वीडियो आपको तभी समझ में आएगी जब आप इसके पहले वाली वीडियो से 2s कॉम्प्लीमेंट निकालना सीख लेंगे, अदरवाइज ये आपके नहीं समझ में आएगी। अब इसको ऐड कीजिए, ये हो जाएगा 110, फिर कैरी 1, फिर 111, कैरी 1, फिर 1 प्लस 0, ये 1 1 1 1 1, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 110 और कैरी यहाँ 1 आ जाएगा। अगर मान लीजिए कैरी को हम डिस्कार्ड भी कर देंगे तब भी इसको, जब आप देखिए 0 है साइन बिट मतलब पॉजिटिव होगा, और बाकी इसको आप कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा 126, प्लस का 126 डेसिमल में, जो कि गलत आंसर है। तो गलत आंसर इसीलिए है कि हमने पहले ही आपको दे दिया था कि भाई ये बिलो द रेंज, जो देखिए 8 बिट अगर आपने लिया है, फिर से समझ लीजिए, 8 बिट में आपका एक बिट तो चला जाएगा साइन दिखाने में कि साहब 0 है तो पॉजिटिव और 1 है तो निगेटिव, बाकी के जो 7 बिट बचते हैं 7 बिट्स, तो वो क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं भाई, 2 की पावर 7 कितना होता है, 128 होता है कि नहीं। ठीक, अब आप कहेंगे सर तो आपने माइनस के 128 से और प्लस के 128 तक क्यों नहीं लिया, इसलिए नहीं लिया कि इनके बीच में 0 भी तो आता है, तो ये माइनस के 128 से प्लस के 128 नहीं, बीच में 0 भी एक इंटीजर आता है, इसलिए प्लस के 127 तक आएगा। तो जो भी सब्ट्रैक्शन या एडिशन आप परफॉर्म कर रहे हैं, अगर उनका रिजल्ट इस रेंज के बीच में है तो आपको, चूंकि आपने n को 8 लिया हुआ है, अभी n को 16 कर देंगे तो आ जाएगा आपका आंसर। तो अगर जो आपका रिजल्ट आ रहा है उसका आंसर अगर इस रेंज के बीच में है तो आपको सही आंसर मिलेगा, और अगर रेंज के बीच में नहीं है तो सही आंसर आपको नहीं मिलेगा। ठीक है ना, अब इसमें आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही कॉन्सेंट्रेशन वाला टॉपिक है, तो इसको अच्छी तरह कर लीजिएगा। कोई भी डाउट्स या कुछ भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट लाइन में मुझे कमेंट करके पूछिएगा। अब उसके बाद बात आती है, एक छोटा सा टॉपिक है 2s कॉम्प्लीमेंट नंबर के लिए ही, वो भी मैं यहीं पढ़ा देता हूं आपको, डिकोडिंग ऑफ 2s कॉम्प्लीमेंट नंबर, 2s कॉम्प्लीमेंट नंबर को कैसे हम डिकोड करते हैं। ठीक है, तो सब हम क्या करते हैं कि सब, जैसे को मान लीजिए, क्या हम आपसे पूछ रहे हैं, हम आपसे ये पूछ रहे हैं, सपोज कीजिए ये नंबर दिया हुआ है आपको 8 बिट में ही आपको ये नंबर दिया हुआ है। ठीक, 2s कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन में, अब उस कौन सा नंबर है ये हमें कैसे पता, मतलब इसकी वैल्यू निकालना, इसको डिकोड करना।
सबसे पहले हम क्या करेंगे, साइन बिट चेक करेंगे। ये साइन बिट होता है पहला बिट, एमएसबी जो होता है वो साइन बिट होता है। तो अगर वो वन है तो निगेटिव नंबर है, अगर वो जीरो है तो पॉजिटिव नंबर है। पहली चीज तो ये क्लियर हो गई। तो इसमें क्या होगा, अगर पॉजिटिव है तो आप सीधा सीधा इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ले लीजिए। मतलब ये सपोज कीजिए अगर ये नंबर जीरो और फिर जीरो जीरो वन वन जीरो जीरो वन होता तो इसका इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू जानते हैं कितनी आती। ये तो हो गया पॉजिटिव और सीधा इसको आप डेसिमल में कन्वर्ट करिए। कैसे करेंगे, वन टू फोर एट सिक्सटीन, तो 16 और 8 24 और 1 25, तो ये सीधा सीधा ये आ जाता ठीक जब ये जीरो है। लेकिन इस केस में अगर ये वन है मतलब निगेटिव है तो आप क्या करेंगे कि आप इसका 2s कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। इसका कैसे निकालेंगे, ये सब 1s 2s निकालना, ये सारी चीजें पिछले लेक्चर्स में मैं पढ़ा चुका हूँ, फिर भी शॉर्ट में बता देता हूँ। 1s निकालेंगे क्या करेंगे, डिजिट को जीरो की जगह वन, वन की जगह जीरो, तो जीरो जीरो है तो ये हो गया वन वन जीरो फिर जीरो फिर वन वन जीरो और इसमें एक ऐड कर दीजिए, वन 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 जीरो जीरो वन वन जीरो, ये आ गया। तो इसमें जब आप प्लस वन कर देंगे तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ निगेटिव नंबर आ जाएगी, समझ रहे हैं। तो अब इसकी जो आप एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे ठीक है, जितना भी आएगा वो निगेटिव नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू आ जाएगी आपको इससे। तो इसी को बोलते हैं 2s कॉम्प्लीमेंट नंबर को कैसे डिकोड करते हैं, यानी कोई नंबर। ये पिछले पिछले जो मेरा लेक्चर है उसमें मैंने ये टॉपिक कवर किया हुआ है कि कोई नंबर अगर 2s कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में दिया है, 2s कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन में दिया है तो उसकी वैल्यू निकालना। तो ये प्रीवियस वीडियो में भी है लास्ट में और इसमें भी मैंने समझा दिया। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब चूंकि ये मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही बारीक टॉपिक है इसलिए मैंने आपसे कहा कि अगर अभी भी आपको कुछ नहीं क्लियर हो, कोई कंफ्यूजन हो ठीक है, तो वो आप कमेंट लाइन में कमेंट करके मुझसे पूछिएगा, डेफिनेटली आई विल गिव यू द आंसर। और अगर आपको वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर नोटिफिकेशन बेल को आप ऑन कर देंगे तो कोई भी नई वीडियो चैनल पर अवेलेबल होगी तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत मिल जाएगी। थैंक यू।